IPL 2019 में आपकी फेवरेट टीम्स, प्लेयर्स और सभी मैच के डिटेल्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। IPL में आपने कई खिलाड़ियों को गुस्से में अक्सर भड़कते हुए देखा होगा। खिलाड़ी अक्सर मैदान पर अपना आपा खो देते हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबले के दौरान, जब लेग स्पिनर अमित मिश्रा अपना आपा खो बैठे। अमित मिश्रा मैच का 11वां ओवर फेंक रहे थे। उनकी दूसरी गेंद पर स्टीन स्मिथ ने शानदार चौका लगाया। इसके बाद स्मिथ ने अगली गेंद भी बाउंड्री लाइन पर भेज दी। पांचवी गेंद पर स्मिथ ने सामने शॉट खेला, जिसे मिश्रा ने पकड़ कर स्टीन स्मिथ की ओर फेंक दिया। अमित मिश्रा के थ्रो से स्टीन स्मिथ तो बच गए, लेकिन गेंद पकड़ने के फेर में ऋषभ पंत दर्द से गहरा उठे। दरअसल अमित मिश्रा की गेंद ऋषभ पंत की उंगलियों में लग गई और वो काफी दर्द में दिखाई दे रहे थे। अमित मिश्रा इस मैच में काफी महंगे साबित हुए। उन्होंने 3 ओवर में 28 रन खर्च कर दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज में कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।